मुकुटमणिपुर में इतना गर्म है हम भोले बाबा हो गए। फर्स्ट टाइम वो एक्चुअली बहुत कूल जगह है, इतना गर्मी नहीं लगेगा। माओवादी ये कैंप को पूरा उड़ा ही डाला। जो इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल बटन को दबा दीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप हैं भ्रमण बाग चैनल में और मैं हूं सोमी। आज आपको ले जा रहा हूं मुकुटमणिपुर। मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, आज मैं हूं और मेरा पिलियन है बाबाई। हाय। आज इस राइड में मेरे साथ और भी दो है, ये है कुशल और ये सत्य। अभी हम 25 किलोमीटर आया हूं और अभी टाइम हुआ है 5:45। अभी हम जोरम बटी में हैं। अभी 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 7 बज रहा है और हम 64 किलोमीटर आ चुका हूँ और ये दीदी हमारे लिए चाय बना रहा है और चाय पी के हम फिर चल पड़ेंगे। हम लोग जोरम बटी होके बिजनुपुर जाएंगे और इस रास्ते में बहुत जंगल आता है, इसलिए हमने ये रास्ता चुना है। हैप्पी लग रही हैप्पी रॉन्ग रे गाते रॉन्ग देख माओवादी ऐसे गुलूम कर देंगे। जब रास्ते पे निकलता हूँ हमारा एक ही मंत्र है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। बाएं साइड में आप देख सकते हैं बहुत कटा हुआ पेड़ का जड़ दिखाई दे रहा है। ये कटा हुआ पेड़ देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी 8:30 है और हम लोग 113 किलोमीटर आ चुका हूँ। अभी हम लोग बिजनुपुर क्रॉस करके एक जगह पे आए हैं और एडवेंचर के लिए हम ये जंगल का रास्ता चुना है। नेचर के साथ कनेक्ट होके बहुत ही अच्छा लग रहा था। जिनको नेचर अच्छा लगता है वो जोरम बटी होके बिष्णुपुर होके मुकुटमणिपुर पहुंचे। और ये मेरा दाएं साइड में मुकुटमणिपुर का स्टेडियम है। ये तो देवे की आमी जानी ना। अबे जीजा देवा? दोस्तों हम आ गए हैं मुकुटमणिपुर में। अभी 11:00 है। मुकुटमणिपुर का कुछ मैंने शॉट लिया हूँ, वो आप देखिए एंजॉय कीजिए। डॉक्टर विधान चंद्र राय ने मुकुटमणिपुर डैम बनाया और इस डैम के जो बांध है वो पूरा 12 किलोमीटर है।
अभी हम जाएंगे ये ऊपर, क्या है दिखेंगे। मुकुटमणिपुर आके मैंने ये एक टीला के ऊपर एक मंदिर देखा, तो उधर एक पुरोहित मिला, इधर पे वो पूजा पाठ करता है, तो उसके साथ मैं बात किया था, उन्होंने ये मंदिर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, मैंने वही आपको आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, तो आप बोलिए, बंगाली में ही बोलिए। ठीक है, बांग्लाते बोलते हैं। यस, जो डैम तैरि है तक शुना जाए परशुनाथ शिवलिंग प्राचीनकाल खूब जाग्रत भाव पुजो होते परशुनाथ शिवलिंग साड़ेगढ़ एक जैगा छो से साड़ेगढ़ शिवलिंग पुजो होत एम पौष संक्रांति आर कि दिन बिहार झारखण्ड चारे मानुष आ खूब मान मेलार मत हतो और जो डैम तैरि तक तो सरकार के सब जमी जैगा निल डैम तैरि नदीगुलो काटिए बड़ो बड़ो डैम तैरि कर डैम जो तैरि हलो तक आर मूर्तिगुलो पा गल मटर तला थे যে সব লোকে একসঙ্গে সরকারিভাবে যখন সাহেবরা ইয়ে করলো যে যখন ড্যামটা একবার ভেঙে গিয়েছিল এদিকে কুমারী নদীর ড্যামটা, তো আগে শোনা যায় যে প্রাচীনকালের আগেকার মানুষরা বৃদ্ধ বয়স্ক মানুষরা বলেছিল যে বাবার না পুজো বন্ধ আছে, যে এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিল বাবার মূর্তি, আবার এর সঙ্গে যে মূর্তিগুলো পাওয়া গেছিলো এইগুলোকে এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিল, আরও অনেক মূর্তি ছিল নাকি শোনা যায় যে মিউজিয়াম নিয়ে গেছে সংরক্ষণের জন্য। এই ধরনের মূর্তি কলকাতার মিউজিয়ামে অনেক আছে, সংরক্ষণের জন্য আর এগুলো এখানে প্রতিষ্ঠা করেছে। আর এই পরশুনাথ শিবলিঙ্গ এটা আগে থেকে পুজো হতো প্রাচীনকাল থেকে এবং খুব জাগ্রত দেবতা ছিল প্রাচীনকালে। বাস এই তো যে আপনি শোনা এস মন্দির কে বারে মে যে মহত্ব পুরোহিত নে বাতায়া, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और एक चीज़ यहाँ से मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ से इस डैम का एक पूरा अलग सा एक ब्यूटीफुल व्यू इधर पर आता है, तो आपको ये दिखाता हूँ अभी। सच बोलता हूँ इधर पे जो मूर्ति जो रखा हुआ है ना वो बहुत ही अच्छा है और बहुत पुराना है। जो भी इसका हिस्ट्री है ये सच है या झूठ मुझे पता नहीं है, बोल तो रहा है ये डैम से खुदाई करके ये मूर्ति इधर पे रखा गया, पर ये मूर्ति बहुत ही अच्छा है। मुकुटमणिपुर तो अब घूम लिया मैंने, ऐसे टाइम में मुकुटमणिपुर आया, अब बहुत गर्म है अभी, ये मार्च का आज लास्ट डेट है और धूप बहुत ज़्यादा है, अगर आप धूप में बाइक चला रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और डिहाइड्रेशन मत होने दीजिए, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। मुकुटमणिपुर में इतना गर्म है हम भोले बाबा हो गए, इस गर्मी में हमारा फट रहा है, और ये कहाँ जाना चाहता है सुनिए। सुतान फॉरेस्ट कैंप, एक्चुअली बहुत कूल जगह है, इतना गर्मी नहीं लगेगा। तो हम जा रहे हैं सुतान। इधर पे एक वॉच टावर मिला, तो वॉच टावर में
अभी हम जाएंगे। वॉच टावर के ऊपर से पूरा व्यू, मेरा पीछे पूरा ग्रीनरी है और वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों अब हम आ गए सुतान में, सुतान फॉरेस्ट कैंप में, और अभी हम एक्सप्लोर करने आए हैं यही सुतान जो एक समय टोटल माओवादी एरिया था। अब ये माओवादी इलाका नहीं है। तो ये निशान आप देख रहे हैं ना, ये बीएसएफ का कैंप था। नक्सल पीरियड में माओवादी ये कैंप पूरा उड़ा डाला। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बीएसएफ का पुराना वॉच टावर था, अब ये टूट गया। और वो वाला पीछे वो नया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन ज़रूर दबाना। अगर बेल बटन नहीं दबाएंगे तो अगली जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। पीछे आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा, नाम तो सुना ही होगा। तो जयपुर जंगल में एक सुनसान एक ट्रेन स्टेशन है, देखिए पूरा जंगल से घिरा। देखिए दोनों साइड जंगल, इधर भी जंगल, इधर भी जंगल। ये हाथी का कॉरिडोर है और बीचों बीच एक रेल स्टेशन है, इसका नाम बिरसा मुंडा। इधर पे कोई टिकट काउंटर भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आज का वीडियो यही ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। अंधेरा कायम रहे शक्तिमान।